प्रधानमंत्री जी के अपने प्रधानमंत्री के रूप में 9 साल पूरे करने के अवसर पर अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान महाजनसंपर्क अभियान प्रारंभ हुआ है। उसके तहत आज विकास तीर्थ के रूप में हम लोग गवायबराज चंदनकरी विधानसभा का यहाँ पर हम लोग आए हैं। आप सबको मालूम है मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर विकास की जो गंगा बही है, जो परिवर्तन आए हैं, उसने देश के मान को और देश के सम्मान को और देश के प्रगति को नई ऊंचाइयां, नए मुकाम दिया है। आज भारत विश्व का 5वां अर्थव्यवस्था बन गया है, ब्रिटिश जैसा देश को हरा पीछे छोड़ करके, जिसने 200 साल तक भारत को गुलामी के अंदर रखा था। आज देश के बढ़ते कदम का दर्शन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे भारत की जनता को, जो अपने जनता जनार्दन है, उनको कराने जा रहे हैं। 1977 से गवायबराज योजना चालू हुआ था। 5000 हेक्टेयर सिंचित होने वाली भूमि के परिकल्पना के साथ, जो चंदनकरी विधानसभा में पड़ता है, इसको लेकर के चलाया गया था। लेकिन 1977 से 2018 तक, जब तक रघुवर दास जी की सरकार झारखंड में नहीं बनी, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार नहीं बनी, तब तक इस योजना को मूर्त रूप आने में हम लोगों ने कभी विश्वास नहीं किया। लोगों को लगता था ये सफ़ेद हाथी है, ये कभी पूरा नहीं होने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ है चुनावी घोषणा पत्र है। हर साल इसके रिपेयरिंग के नाम पर कुछ अरबों रुपये निकाल लिए जाते थे, खर्च कर दिए जाते थे, लेकिन जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिलता था। लोग हवाई सर्वे भी करते थे, लोग यहाँ जा कर के बड़े बड़े वायदे, पेपर को कटिंग, घोषणाएँ करते थे, लेकिन हकीकत यथार्थ जमीन पर नहीं उतरता था। मोदी जी के नेतृत्व में रघुवर दास जी की सरकार ने, उस समय मैं चंदनकारी का विधायक, यहाँ की जनता के आशीर्वाद से बना, यहाँ के लोगों के वोट के कारण प्रतिनिधित्व का मौका मिला, उस वोट के सम्मान में हम लोगों ने इस विषय को कैबिनेट में रखा और रघुवर दास जी ने इसको पारित किया। 1,42,00,00,000 का यह कैनाल का योजना और 8,00,00,000 का डैम के गेट और बाकी मरम्मती की योजना, लगभग 1.5 अरब रुपये का यह कार्य 2018 से प्रारंभ हुआ। एक ख़त्म हो जाना चाहिए था समय से पहले, जो समय था वहाँ पर, लेकिन देरी हुई। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि 1977 से प्रारंभ ये योजना, जो सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए था, आज इसका 86 किलोमीटर लंबा कैनाल बन करके तैयार है, गेट बन करके तैयार है, डैम बन करके तैयार है, और सिर्फ बरसात का इंद्रदेव का इंतजार है। इंद्रदेव की कृपा होगी, वर्षा आएगी, और यह पूरा खेत जो पानी के अभाव में वंचित रह जाता था, सूखा रह जाता था, उसकी सूखा दूर होगी, और चंदन क्यारी के किसान इस नहर के माध्यम से अपने 5000 हेक्टेयर जमीन का सिंचाई कर पाएंगे, यहाँ के किसान समृद्ध हो पाएंगे, ऐसा योजना के साथ यह कार्यक्रम। मैं बताना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार में आती है तो आने के साथ जनता के लिए कार्य करती है, विकास के लिए कार्य करती है। ये सबसे बड़ी उसकी विशेषता है। स्टेडियम हो, पार्क हो, चंदन क्यारी की सड़कें हो, या फिर पावर का सब ग्रिड हो, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज हो, गवायबराज हो, कई एक बड़ी योजनाएं और भी इसके साथ जुड़े हुए कई एक योजनाएं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, सौंदर्यीकरण के नाम पे इतना बड़ा जो है कभी कुछ नहीं था। हम लोग की गवर्नमेंट ने उस समय जितने भी हमारे तीर्थ स्थल है या पर्यटन स्थल है, उसके बढ़ोतरी के लिए हम लोगों ने सौंदर्यीकरण काम किया। ये बड़े आनंद का विषय है। आप लोगों के वोट के कारण विधायक बनने का मौका मिला था, आप लोगों के मेहनत के कारण विधायक बनने का मौका मिला था, आप लोगों के वोट के कारण रघुवर दास जी की और नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी थी। ये आपका वोट है, ये तो आप वोट तो 1951 से काका बैठे हुए हैं, 1951-52 से चालू हुआ है लोकतंत्र, वोट देते आए हैं, लेकिन वोट देने के समय मृदा से देखिए वो निकल